मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज शनिवार से नामांकन पत्र दाखिल करना शुरू हो जाएगा। सभी 223 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने के लिए उन्हें जो है 6 दिन का समय मिलेगा। 30 अक्टूबर तक 3 बजे तक नामांकन स्वीकार होंगे। उम्मीदवार सुविधा ऐप से ऑनलाइन नामांकन भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि साथ ही जमानत राशि का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से करने का प्रत्याशी को सुविधा मिलेगी। ऑफलाइन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर नामांकन जमा करेंगे। नामांकन फॉर्म के साथ अभ्यर्थी को फॉर्म 2B, नामांकन फॉर्म 26, शपथ पत्र और बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य सभी जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। किसी भी प्रत्याशी को उसके आपराधिक रिकॉर्ड के लिए प्रारूप C1 और C4 देना होगा। नामांकन पत्र 22 अक्टूबर को रविवार को, 24 को दशहरा और 28 को शनिवार और 29 को अक्टूबर को जो है रविवार के अवकाश के कारण नहीं लिए जाएंगे। वहीं 30 अक्टूबर 3 बजे तक नामांकन स्वीकार होंगे। 31 अक्टूबर को नामांकन की जांच की जाएगी। इसके बाद प्रत्याशी 2 नवंबर तक अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश की 223 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी, जिसके बाद फैसला हो जाएगा कि कौन सा दल इस चुनाव में बाजी मारेगा। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों के अलावा आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा, जयस जैसे दल भी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। आप सभी दर्शकों से वॉइस ऑफ एमपी परिवार की अपील, लोकतंत्र के पर्व पर 17 नवंबर को सभी अपने मत का प्रयोग करें और सभी मतदान करें।